बाबा जान, कौन हो तुम? बाबा जान, मैं आपका बेटा हूं, इन कागजात पर अंगूठा लगा दीजिए। अच्छा, बेटे हो मेरे, ये लो बेटा। भाई, बाबूजी तो चले गए, मेरा जायदाद का हिस्सा? वो तो बाबा जान अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम कर गए थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मलाखेल का एक तारीखी फैसला, खास तौर पर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में ख्वातीन के विरासती हकूक से मुतालिक मसाइल को हल करता। इस केस में दरखास्त गुजार ने दलील दी कि ख्वातीन को इनके जायज विरासत से महरूम किया जा रहा है और कानूनी निजाम इस मसले को मुनासिब तरीके से हल नहीं कर रहा। दरख्वास्त गुजार ने ख्वातीन को हक़े विरासत की यकीनी फराहमी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और नादरा के दरमियान तावुन का मुतालबा किया। इस सिलसिले में इस्लामी कानून और माशरती असूलों के तनाजुर में ख्वातीन के विरासती हकूक से महरूमी की मुख्तलिफ वजूहात बशमूल मुआशी इन्हिसार, समाजी तनाजात का खौफ और सही इस्लामी मालूमात की कमी पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लाम ख्वातीन को विरासत का हक देता है और खानदान के मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तस हिस्से का खाका पेश करता है। इस केस के फैसले में तस्लीम किया गया कि कानून विरासत के हकूक के तहफ्फुज फराहम करता है, लेकिन अदालत इस सिलसिले में इन मुश्किलात को तस्लीम करती है जिनका सामना ख्वातीन को अपने ही खानदान के अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात की पैरवी में हो सकता है। जस्टिस मलाखेल ने इस मसले को हल करने के लिए मखसूस हदायात दी जिसमें मीडिया और तालीमी इदारों के जरिए आगही पैदा करना और विरासत से मुतालिक मुकदमात को मुकर्रा मुद्दत के अंदर हल करने में तेजी लाना शामिल है।